नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने एडसेंस अकाउंट में जो आपकी यूट्यूब अर्निंग हो या अपने वेबसाइट पे अपना एडसेंस अकाउंट लिंक कर रखा हो तो उसकी जो अर्निंग होती है वो एडसेंस पे ऐड होती रहती है। जैसे ही आपके $100 होते हैं तो आप कैसे उन $100 को, मतलब 106 डॉलर हुए, $110 हुए, $115 हुए, इस से मतलब कितने भी हुए, 200-300 डॉलर भी होगा, तो आप कैसे अपने एडसेंस अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है कि आपको एक्चुअली पता चल पाए, क्योंकि जैसे ही $100 होते हैं बहुत ज्यादा मतलब दिल में धारणा पैदा हो जाती है कि यार एक्चुअली कैसे ट्रांसफर होंगे, क्योंकि वहां पे कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं आता कि आप डायरेक्टली पे कर दें और वो जो आपके पैसे हैं वो डायरेक्टली मतलब ज्यादातर लोगों को मालूम ही होता है 21 से 26 तारीख के बीच में पैसे आ जाते हैं अकाउंट में। तो गाइस वो पे बटन कहाँ पे होता है, तो गाइस वही जानने की कोशिश करेंगे। एडसेंस में चलते हैं सीधे और जानते हैं वहां पे आपको पे ऑप्शन कहाँ पे मिलता है और उस पर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसफर होते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपना एडसेंस अकाउंट को ओपन करेंगे यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हैं तो टोटल मिला के 105 रुपए 97 पैसे यहाँ पे बैलेंस है। डायरेक्टली पेमेंट ऑप्शन में जाना है। पेमेंट ऑप्शन में जाने के बाद आपको इस तरीके से थोड़ा सा इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे लिखा होता है यू हैव रीच 100% ऑफ योर पेमेंट होल्ड, मतलब यहाँ पे आपके मतलब $10 जो है वो होल्ड रखी जाती है। तो गाइस आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आपको चेंज ना करें, क्योंकि $100 कम से कम मैक्सिमम रहते हैं कि आपके पास $100 से ऊपर भी आप होल्ड करना चाह रहे हैं, मतलब 1,000, 2,000, 3,000, 100, 200, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा है पेड मंथली इफ यू द टोटल इज एट लीस्ट $100, मतलब यहाँ पे पेड कर देंगे मंथली के हिसाब से, लेकिन डॉलर जो होना चाहिए 100 होना चाहिए, और यार पेमेंट होल्ड मतलब यहाँ पे गाइस ये पेमेंट ऑप्शन जो है आपने शायद ट्राई नहीं किया हो। तो यहाँ पे आपको पेमेंट मैनेज मेथड पे जाना होता है, और मेथड पे जाने के बाद यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे गाइस मैंने अपना ऐड मतलब कर रखा है अपना बैंक अकाउंट, लेकिन गाइस आप बात करें तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ रहा है यू डोंट हैव परमिशन टू दिस, यू विल एडिट एक्सेस पेमेंट। अच्छा मतलब एक ही पे कर सकता हूँ मैं, अब दोबारा नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मतलब दो पेमेंट ऑप्शन नहीं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्राइमरी है और यहीं से मैं इसी पे अपने पेमेंट मंगाऊंगा। और दोस्तों बात करें थोड़ा सा दोबारा पेमेंट ऑप्शन भी चलते हैं, तो वही जो आपको देखने के लिए मिलता है इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई हिडन पेमेंट बटन नहीं होता दोस्तों, ऑटोमेटिकली की पूरा प्रोसेस होता है जिसमें आपको ना कोई मतलब आप एडसेंस चला रहे हैं और आपने बस अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड कर रखी है, बस उसके बाद आप एडसेंस को भूल भी जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट है वो आपकी मेनली यूट्यूब से आती है, बाकी बातें आके वीडियो में लगातार करते हैं। तो दोस्तों आपने एक्चुअली देखा कि पहले तो $105 मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और वहां पे कोई पे ऑप्शन नहीं आता पहली बात, और जो मैंने अपनी बैंक डिटेल दे रखी है वो शेयर कर रखी है। तो गाइस आपने नहीं कर रखा है ऐड कोई भी अपनी बैंक डिटेल, तो गाइस प्लीज वहां पे जाके पहले ऐड कर दीजिए, तभी आपके जो $100 हुए वो 21 से मतलब किसी भी मंथ की 21 से 26 तारीख, मतलब जैसे कि बात की एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मेरे सितंबर में पूरे हो गए थे, लेकिन अपडेट जो है वो अक्टूबर की 8 तारीख को मेरे पैसे अपडेट हो गए एडसेंस में। तो गाइस अक्टूबर की 21 से 26 तारीख के बीच में मेरे पैसे ट्रांसफर होंगे मेरे अकाउंट में। अब गाइस प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं कि पैसे ट्रांसफर करने के लिए कोई ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, तो गाइस ये पूरा ऑटोमेटिकली की फंक्शनैलिटी होती है एडसेंस की, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे ही पैसे $100 मतलब आप अपने सेट कर सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट आपको कितना चाहिए, वैसे गाइस कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। $100 है तो ऐसा नहीं है कि आपके $100 ही ट्रांसफर होंगे, आपके $106 है, $160 है, $200 है, $300 है, तो वो ऑटोमेटिकली कि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। आप एडसेंस खोल के नहीं भी देखते तब भी वो आपके पैसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम गाइस कभी कभी ऐसी भी होती है कि जो पैसे होते हैं वो कभी आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पाए, तो गाइस एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अपनी बैंक अकाउंट डिटेल और वहां पे क्लियर कर लीजिएगा जो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल है वो शायद गलत तो नहीं है, या आपने कोई माइक्रो कोड कोई IFC कोड गलत तो नहीं डाल दिया। तो इस तरीके की कोई भी परेशानी होती है तो प्लीज एक बार जरूर चेक कर ले अपना बैंक अकाउंट। अदर गाइस नॉर्मली आप जो मंथली पेमेंट होती है वो इजिली एक्सेप्ट कर पाते हैं। हाँ एक क्वेश्चन और रहता है दिमाग में, जो मेरे $100 है क्या मैं नेक्स्ट मंथ अब $100 का वेट नहीं करूंगा? गाइस आपको हर बार मिनिमम $100 कंप्लीट करने होंगे तभी वो आपके वायर ट्रांसफर होंगे, और आपने $115, $106, मतलब $200 ऑलरेडी अपने एडसेंस पर कर रखे तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब दूसरी बात,
कुछ मतलब नेक्स्ट मंथ तो मेरे 60 डॉलर या 70 डॉलर होते हैं, क्या वो भी अगले महीने ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं गाइस, हर बार आपको 100 डॉलर करना पड़ेंगे, उसके बाद ही उसके ऊपर हो जाते हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन 100 डॉलर से आपके कम बैठते किसी भी महीने तो गाइस वो पैसे होल्ड हो जाएंगे, वो अगले महीने मतलब अगले महीने की ट्रांजेक्शन मतलब अमाउंट जोड़ के जो 100 डॉलर से ऊपर भी बैठ जाती है तो वो उससे अगले महीने ट्रांसफर होंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है मैंने मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।